हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक होममेड फाउंडेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक DIY होममेड फाउंडेशन, जो कि आप इसे घर पर इजीली बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये फाउंडेशन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो फाउंडेशन है ये बिल्कुल मार्केट वाला फाउंडेशन की तरह आपको रिजल्ट देता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये DIY फाउंडेशन हम कैसे घर पर तैयार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो से आप अपडेट होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कोई भी छोटा सा कंटेनर ले लेंगे जिसमें हमें इसे तैयार करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आपको मार्केट वाला ही यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या हम प्लांट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी DIY मेकअप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आप मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा और इसे आप लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेंगे या फिर लोशन ले लेंगे जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मॉइस्चराइज़र ऐड कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोई भी लूज़ पाउडर जो येलो अंडरटोन में हो या फिर आपके स्किन के टोन वाला हो। तो आप बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं ऐसे लूज़ पाउडर, आप यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और एक टूल की हेल्प से मैं इसे पहले स्क्रैच कर लूँगी ऐसे, और इसमें हम ऐड करेंगे। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि क्या हम वाइट पाउडर ले सकते हैं। तो आपको वाइट पाउडर नहीं लेना है, वो आपको फाउंडेशन वाला रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। आप ऐसे बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, पर आपको कॉम्पैक्ट वाला रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से हम कॉम्पैक्ट की हेल्प से या फिर लूज़ पाउडर की हेल्प से जो हम फाउंडेशन तैयार करते हैं जो येलो अंडरटोन में होते हैं या फिर आपके स्किन के टोन में होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा सा DIY फाउंडेशन तैयार हो जाता है। वो बिल्कुल मार्केट वाला रिज़ल्ट देता है आपको। तो आप कोशिश करें कि आप कॉम्पैक्ट यूज़ करें या फिर लूज़ पाउडर यूज़ करें। तो ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ी डार्क है तो इस फाउंडेशन को डार्क बनाने के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कोको पाउडर। तो ये फाउंडेशन थोड़ा डार्क हो जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने हैंड पर अप्लाई कर लिया है और इसे मैं ब्लेंड भी करके दिखाती हूँ आपको। ये बिल्कुल मार्केट वाले फाउंडेशन की तरह ही आपको फिनिशिंग देता है ये, और वैसा ही रिजल्ट देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो से आप अपडेट होते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।